दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पानी आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और शरीर का कौन सा अंग कितने परसेंट पानी से बना है, कैसा पानी पीना चाहिए और अगर आप वो पानी पीते हैं तो किन भयंकर रोगों से बच सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो का एक शेयर बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपके साथ साथ बदल के रख देगा और आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा बदलाव होंगे कि आप खुद जानकर मानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70-80% जो है पानी से बना है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे अंग हैं जो कितने परसेंट पानी से बने हैं। हमारी त्वचा, जिसे हम कहते हैं बूढ़ी हो जाती है, वो बनी है 80% पानी से। हमारे फेफड़े बने हैं 85% पानी से। हमारा दिमाग बना है 83% पानी से। मांसपेशियां बनी है 75% पानी से। किडनी बना है 83%। हृदय बना है 75%। खून बना है 94%। हमारी आंखें बनी है 95%। और हड्डियां आपकी बनी है हम लोगों की 22%। रिसर्च के मुताबिक एक इंसान बिना भोजन के 15 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 5वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। प्यास लगने के पीछे अब लॉजिक क्या है, क्या है गणित, मैं आपको वो समझाती हूँ बहुत आसान सा एग्जाम्पल देके। जैसे कि शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। जब ये कमी 5% तक पहुंचती है तो शरीर की नसें खींचने लगती हैं और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगती है। जैसे ही ये कमी 10% तक जाती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लग जाता है और वो बेहोश हो सकता है। शरीर में पानी की कमी जब 20% होने लगती है तो इंसान की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी बेहद जरूरी है, इसलिए शरीर में समय समय पर प्यास लगने की ये मैकेनिज्म अपने आप से विकसित होती है, जिसे हमें पूरा भी करना चाहिए। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी या तरल पदार्थ का बना होता है। रक्त, जिसे हम मानव शरीर की जीवन रेखा कहते हैं, उसका भी 83% पानी से होता है। रक्त शरीर के हर अंग तक विटामिंस, मिनरल्स और जरूरी पोषक तत्व जैसे हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आदि पहुंचाने का काम करता है। वहीं जो हमारा यूरिन भी है, वो शरीर का एक अहम तरल पदार्थ है जो शरीर के टॉक्सिन्स यानी हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थ बाहर नहीं जाएंगे और इससे कई समस्याएं जैसे त्वचा का सूखापन, कब्ज, सिर दर्द, ये सारी चीजें पैदा हो जाएंगी। इससे किडनी से जुड़ी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनका शरीर में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये मिनरल्स शरीर में कई कामों के लिए अहम होते हैं, जैसे रक्त का पीएच स्तर बनाए रखना, नसों का काम करना, दिमाग का तेज चलना और शरीर के अन्य अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना। आम तौर पर बहुत ज्यादा पसीना निकालने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर में गिरावट आती है, जिसकी वजह से हमें थकावट और चक्कर आने की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। हमारे शरीर के बेहद नाजुक हिस्सों जैसे आँख, पाचन तंत्र, मुंह आदि को भी खूब सारे पानी की जरूरत होती है और पानी की कमी से ये सब ज्यादा असर हमारे पाचन तंत्र पे पड़ता है। खाना पचने के लिए मुंह में बनने वाली लार बेहद जरूरी है, इसके बिना चबाने और भोजन को अंदर तक ले जाना मुश्किल है, जिससे आपको अपाचन की समस्या होती है। हमारी आंखों को भी पानी की बहुत जरूरत है ताकि उनमें जमा जो गंदगी है वो साफ हो सके। शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें विटामिन डी और कैल्शियम के साथ साथ पानी की बहुत जरूरत है। शरीर में सभी जॉइंट्स में नरमी बनाए रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कम पानी की वजह से उम्र बढ़ने पर हमारी हड्डियों में से कटकट की आवाज और साथ में हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर इस पर हमारे शरीर को जब पानी की जरूरत है तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर में कितना बुरा प्रभाव डालता है, अब वो जान लीजिए। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके सिर में मौजूद क्राइनल नस को इफेक्ट करती है, जिससे कि आपका सिर दर्द तेज होने लगता है। गर्मी के मौसम में तेज सिर दर्द होने पर लोग यही सोचते हैं कि ये दर्द जो है वो तेज धूप के कारण हो रहा है, मगर दर्द का असली कारण है कि जो आपने तेज धूप से आकर सीधा ठंडा पानी पिया उसने आपके दिमाग पे असर डाला और ये आपके सिर दर्द नहीं बल्कि आपके दिमाग की नसों को कमजोर करता है। इससे आपकी याददाश्त भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारा गला जो है बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, इससे हमें गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गला खराब हो जाता है। जब आप तेज धूप से छाया में आते हैं और उसके बाद आप ठंडा पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी प्यास तो शांत होती है,
लेकिन आपके शरीर में पाचन तंत्र पे आपके अंगों पर जो शरीर के अंग हैं उन पर इफेक्ट आने लगता है। आपकी नसें ठंडे पानी से सिकुड़ने लगती हैं जिससे कि आपके शरीर में आपके जो अंग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, और जब अंग ठीक से काम नहीं कर पाते तो उनमें गंदगी जमा होने लगती है, खाना पचना बंद हो जाता है, आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है जिससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे आपकी हड्डियों का दर्द, आपके नसों में जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। आपको हमेशा कब्ज की शिकायत रहेगी, पेट में गैस रहेगी, आपको खट्टी डकारें, हैवीनेस फील होगा क्योंकि आपने पिया है ठंडा पानी जिसने आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब किया, साथ में जिसकी वजह से खून में गंदगी जमने लगी क्योंकि खाना नहीं पचा, और वो खून की गंदगी आपके खून को गाढ़ा करती है जिससे कि आपका पूरा उसका जो असर है आपके दिल तक जाता है, आपका दिल ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो दिल तक पहुंच नहीं पाएगा और दिल यानी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आज से ही गर्म पानी पीना शुरू करें। अगर गर्म नहीं पी रहे हैं तो नॉर्मल कोसा पानी पिएं या फिर रूम टेम्परेचर वाला पिएं, और अगर और अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हल्का गर्म पानी का जरूर सेवन करें। अब जानते हैं पानी को पीना कैसे है और कितना पीना है। पानी हमेशा आपको धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है, शरीर के तापमान के मुताबिक ही अंदर जाना चाहिए, इसलिए गिलास के जरिए होंठ लगाकर पानी पीने का तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्दन उठाकर ऊपर से पानी पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ऐसे पानी पीने से फूड पाइप में हवा की जगह बन जाती है जिससे पाचन से जुड़ी हमें तकलीफें होने लगती हैं। गलत तरीके से पानी पीने से एसिडिटी, खट्टी डकार, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग तो 2-3 घंटे तक पानी नहीं पीते और फिर एक साथ बहुत सारा पानी पीते हैं, ये भी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका पूरा असर आपकी किडनी और दिल तक जाता है। पानी हर 1 घंटे में 1-1 गिलास करके पीना चाहिए, इससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। आपके शरीर में जो मैंने इतने सारे अंग बताए जिनको पानी की जरूरत है, जो पानी से बने हैं, उनमें भी प्रॉपर तरीके से काम चलता रहेगा। जब भी प्यास लगे तब पानी जरूर पिए, खाना खाने से 1/2 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपका शरीर फूलता है, आपको मोटापा होता है, कब्ज की शिकायत होती है जिससे आप हमेशा कहते हैं कि आपके शरीर में एसिड बन रहा है। वो एसिड क्यों बनता है, या तो आप खाना खाने के बीच पानी पीते हैं या फिर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर फील हो रहा है या लू लग जाए, बुखार हो जाए, कब्ज हो जाए, पेट में जलन हो या आपको पेशाब में जलन हो या आपका जो है यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, ऐसी किसी भी दिक्कत में तुरंत आपको गर्म पानी पीना चाहिए। इससे आपको खुद देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एकदम जड़ से खत्म हो गई हैं। गर्म चाय या कॉफी आदि के एकदम बाद आपको क्या करना है, पानी कभी नहीं पीना, कम से कम 1/2 या 1 घंटे का गैप देना है। खीरा, खरबूजा या ककड़ी खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना, और धूप में काफी वक्त बिताने के बाद भी आपको इमीडिएटली पानी नहीं पीना। दिन में कम से कम आपको 8-10 ग्लास पानी पीने की मात्रा बनानी चाहिए जिससे कि आपका शरीर की जो गतिविधियां हैं वो अच्छे से हो सके, आपकी किडनी ठीक से काम कर सके, आपका पूरा शरीर जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स उसके काम कर सके। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन कौन सी बीमारियां आपको घेर लेती हैं? मोटापा, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, पाचन से जुड़ी समस्या, गैस्ट्रिक, सांस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यानी आपको जो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एस्थमा, एंजाइम संबंधित प्रॉब्लम, और आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जिसे आजकल नाम दिया गया है PCOD, PCOS, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं पानी की कमी के कारण होती हैं, और गठिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पानी की कमी से आती हैं। अगर इसमें हम गर्म पानी पी लें तो आप ध्यान से सुनेगा कि आपको कितने फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आजकल लोगों की क्या है कि आपको होता है वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। आजकल के टाइम में सबसे प्रॉब्लम क्या है, वजन बढ़ना, मोटापा। मोटापे को भगाना चाहते हैं दूर तो गर्मी हो या सर्दी गर्म पानी का सेवन करें। कैसे करेंगे अब वो आपको देखना है, या तो अपना शरीर पालो, या बीमारियां पालो, या फिर अपनी खूबसूरती पालो, ये तीनों चीजें आपके हाथ में हैं। तो रोज सुबह उठ के बासी मुंह थूक फेंके बिना अपनी लार के साथ ही गर्म पानी कम से कम 3-4 ग्लास पिएं, नॉर्मल लुकवार्म वाटर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, और पूरा दिन उस चीज को बना के रखें। एक गर्मियां मेरे कहने पर चलें और ठंडा पानी छोड़ के गर्म पानी का सेवन करें, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि बिना कुछ करे आपका वजन अपने आप गिरता जा रहा है। उसके बाद अगले बार से अपने आप खुद ब खुद पीना शुरू कर देंगे।
जिंदगी भर अगर आप सर्दी जुकाम से कंजेशन से दूर रहना चाहते हैं, छाती पे चाहते हैं कफ ना जमे, क्योंकि कफ क्या करता है आपको फ्यूचर में एस्थमा प्रॉब्लम देता है, आपके मुंह से दुर्गंध आने लगती है जिनको ज्यादा कफ बनता है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, तो गर्म पानी आपके लिए रामबाण इलाज है। पीरियड्स में अगर आपके बहुत ज्यादा दर्द होता है और आपसे सहन नहीं होता, तो ऐसे में गर्म पानी की सिकाई करें पेट पर और गर्म पानी का सेवन करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा मुरझाए ना, आपकी खूबसूरती बनी रहे, आपका बुढ़ापा थम जाए, बहुत लेट आपके चेहरे पर झुर्रियां आए, तो ऐसे में गर्म पानी स्टार्ट कर दें आज से ही, और फिर देखें आपकी त्वचा में कैसे कसाव आ गया है, टाइटनेस आ गई है, आपके चेहरे पे जो पिंपल्स एक्ने थे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके अंदर से सारी गंदगी को निकालता है, तो आपके चेहरे पे एक अलग नूर होगा, आपको बाहर के कितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बाल जो है आपका स्कैल्प अच्छा रहे, बाल जो आपके बढ़ नहीं रहे वो बढ़ने शुरू हो जाए, तो गर्म पानी पिए, क्योंकि ये आपके जो पीएच लेवल है आपके सर का, आपके जो बालों का, वो मेंटेन रखता है और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आप अपने पाचन क्रिया को दुरुस्त करना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, जॉइंट पेन को चाहते हैं बिल्कुल दूर हो जाए, साथ ही साथ आपके शरीर में एक एनर्जी बनी रहे, आपके डायबिटीज कंट्रोल रहे, तो बस सबसे पहले सुबह उठकर 3 से 4 ग्लास गर्म पानी पिएं अपनी मुंह की लार के साथ। 101% आपको गारंटी देती हूँ इन रोगों को कैसे दूर भगा लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम पानी की कमी होती है और ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जो घुटने होते हैं ना, जोड़, वो सबसे पहले बैठ जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। खड़े होके पानी मत पियो, बैठ कर पियो। इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करो और जमकर शेयर करो, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।